हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए गुलगुले की रेसिपी लेके आई हूँ। तो आप लोग गुलगुले की रेसिपी देखिएगा और पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो गुलगुला बनाने के लिए मैंने एक पतीले में 2 कटोरी गेहूं का आटा ले लिया है और उसी कटोरी से आधी कटोरी सूजी लिया है मैंने, और जिस कटोरी से गेहूं का आटा लिया था उसी कटोरी से 1 कटोरी यहाँ पे चीनी लिया है मैंने। तो इन सबको मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर घोल तैयार कर लेंगे। तो इसमें पानी थोड़ा थोड़ा मिलाकर ही घोल बनाइएगा, नहीं तो इसमें लम्स भी पड़ जाएंगे और घोल गी ज़्यादा पतला हो सकता है। तो थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर इसका घोल बनाइएगा, ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, थोड़ा गाढ़ा ही रखना है। तो देखिए मैं कैसे बना रही हूँ, इसी तरह से बनाइएगा। अब इसमें पानी नहीं लगेगा, अब इतना ही गाढ़ा रखना है इसको। ये देखिए, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसको ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रखूंगी। 10 मिनट हो गए हैं, ये देखिए। अब इसमें मैंने घिसा हुआ नारियल डाल दिया कद्दूकस करके, गरी का गोला है, तो इसको भी मिक्स कर लूंगी। बढ़िया से इसको मिक्स कर लेना है, इसी में नारियल को और ये देखिए, इसी तरीके का घोल होना चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। मैंने एक कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया था, तेल गरम हो गया है। तो मैं देखो चम्मच चम्मच इसमें बैटर को गिराऊंगी इसी तरह। अब इसको पलट देंगे आराम से ऐसे, एक तरफ थोड़ा लाल हो जाए जैसे गोल्डन ब्राउन, तब पलटिएगा। तुरंत मत पलट दीजिएगा, 2-3 मिनट के बाद ही पलटना इसको। ये अब पक चुका है, अब इसको निकाल लेते हैं। अब इसी तरीके से दूसरे बैच का भी बना लेंगे। पहले मैंने चम्मच से डाला था घोल, अब थोड़ा बड़ा बना रही हूँ, तो आपको दो तीन तरीके से बना के दिखाऊंगी। हमारे यहाँ इसे गुलगुला कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। कोई कोई पुआ भी कहता है इसको। आप इसको गुड़ से भी बना सकते हैं, इसको गुड़ से भी बनाते हैं, मैंने चीनी से बनाया है।
ये फ्राई हो गया, इसको मैं निकाल लेती हूँ। अब मैं छोटा छोटा हाथों से ऐसे बनाऊंगी, ये देखिए बहुत अच्छे से फूल रहे हैं, घोल बढ़िया सब बना होता है तो फूल जाते हैं बहुत अच्छे से, ये देखिए। बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में, ये ठंडा हो जाता है तो ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसको तो हमारे यहाँ बना के रख देते हैं तो दूसरे दिन भी खाते हैं, दूसरे दिन और स्वादिष्ट लगता है ये। देखिए बन गया। मैं इसके साथ थोड़ा सा पापड़ तलूंगी तो मीठा और नमकीन दोनों हो जाएगा। तो आपको एक गुलगुले की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ अगली रेसिपी लेके, तब तक के लिए नमस्कार।